चूंकि एक स्टूडेंट भी, यूपीएससी के एस्पिरेंट भी एक समय पर रह चुके हैं, और अभी की स्थिति को चूंकि आपने एक डार्क हॉर्स किताब लिखी है जो कि खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे ही है, लोगों ने काफी पसंद भी किया, ये बताइए आपके नजर में, एक स्टूडेंट के भी नजरिए से ये बताइए कि आप जिम्मेदार इस पूरी घटना में किसे मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? देखिए, इस पूरी घटना में जिम्मेदारी केवल एक संस्था की नहीं तय की जा सकती। एक संस्था से मतलब किसी एक विभाग, इसमें जितनी भागीदारी एमसीडी की है उतनी विभाग उतनी ही भागीदारी इसमें प्रशासन के और भी अंगों की है और कोचिंग की भी है। गलत काम को होने देना, गलत काम को पास करना और गलत काम को पास करा के अपने पक्ष में रख लेना, ये जिम्मेदारी ओवरऑल सबकी है। तो इसमें एमसीडी भी है, इसमें प्रशासन के और भी हिस्से हैं, बिल्कुल, और भी अंग है, और इसमें कोचिंग भी जिम्मेदार है। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी तो यहाँ एमसीडी के अधिकारी बैठे हुए हैं, पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि गलती एमसीडी की है, लेकिन अभी भी आपको किसी भी टीवी चैनल पे, किसी भी चैनल पे कोचिंग की तरफ से कोई ये बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसमें। बिल्कुल, चलिए इसी का आपकी इसी बात का जवाब लेते हैं आर कुमार साहब, जो कि हेड हैं आस्था आईएएस कोचिंग सेंटर के। सर, आपसे यहां पर अब हम जवाब चाहेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, कई जगह तो सील हो गए हैं, कई जगह लोग खुद ही सील कर दे रहे हैं, इससे पहले कि वहां पर कार्रवाई शुरू हो तो अपने कोचिंग संस्थान को बंद कर दे रहे हैं। आप ये बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई सर, जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की कुछ बनती है कि नहीं बनती है स्टूडेंट्स के प्रति या फिर उनके परिवार वालों के प्रति, जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए देकर के बच्चों का एडमिशन कराते हैं? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन बच्चों का डेथ हुआ है उसके प्रति पूरे कोचिंग फैटर्निटी की तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ। वो एक्चुअली वो पेरेंट्स हमारे भरोसे, हमारे कोचिंग वालों के भरोसे अपने बच्चों को भेजते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए। और जहां तक कोचिंग के की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो मैं बताऊं, मुखर्जी नगर पीछे 6-8 महीने से काफी स्ट्रगल कर रहा है और इस स्ट्रगल में कोचिंग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ में बच्चे तो स्ट्रगल करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों की बहुत बुरी स्थिति है। एक्चुअली क्या है, पिछले दिनों में बच्चों की संख्या जब बढ़ी तो यहाँ पे इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ है कि जो उनके रहने की व्यवस्था है वो बड़ा ही पैथेटिक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अगर कुछ रोल प्ले करे, जैसे कि एक कमरे में कितने बच्चे रह सकते हैं, उसका रेंट क्या हो, इस तरह का रेगुलेशन अगर आया होता तो बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या जो बड़े पैथेटिक कंडीशन में वो रहते हैं उसका समाधान हो जाता, ये लाइब्रेरी और ये सब चीजों का। चूंकि बच्चे के कमरे में ही अगर सफिशियंट स्पेस होता तो उसको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक एक कमरे में काफी बच्चों को, दो दो तीन तीन चार चार बच्चों को केबिन बना बना के डाला जाता है यहाँ पे, और उसके बाद बच्चे निश्चित रूप से लाइब्रेरी की ओर जाते हैं, और ये लाइब्रेरी कई बार बेसमेंट में है, कई जगह पे है, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर कोचिंग में एक अन्य तरह की समस्या है जो इस घटना से और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। हम पीछे मैम 6 महीने से स्ट्रगल कर 6-8 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, आज मुखर्जी नगर के सारे कोचिंग के ऊपर इलीगल कोचिंग का चस्पा उस पर लगा हुआ है, ऐसी ऐसी कोचिंगों के ऊपर जो 20-25 साल 30 साल से चल रही है। अब 30 साल से चलते हुए कोचिंग, उसका रीजन क्या है, यहाँ का बिल्डिंग जो मुखर्जी नगर कम्युनिटी स्पेस है ये 1978 का है और बिल्डिंग बाय लॉ आता है 2015 में, 2021 में, और इस 2021 के लॉ को 1978 के बिल्डिंग पे जब आप लागू करते हैं तो वो कहीं से वो बिल्डिंग नए नॉर्म्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ पे डंडे कोचिंग वालों पर ये चलाए जा रहे हैं कि भाई अब आपका बिल्डिंग इलीगल है, ऐसी बात नहीं है, ये पुराने बायलॉज और अभी की सिर्फ बात नहीं है सर, एक छोटी सी बात इसको समझिए कि जहां पर ये लाइब्रेरी चल रही थी, ऐसे ना जाने कितनी इलीगल वे में लाइब्रेरीज चल रही है, निकासी द्वार वहां पर मात्र एक है, जहां पर आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, निकासी द्वार एक है, फायर के लिए वहां पर एनओसी भी नहीं लिया गया है, अगर वहां पर किसी स्थिति में आग लग जाती है तो उसके लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं है, उसको बुझाने के लिए उपकरण तक मौजूद नहीं है। तो सर आप कहीं तो देखेंगे ना, पुराने लॉज और अभी की बात नहीं है, चलिए आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच जो चर्चा का बहुत बड़ा विषय इस बीच रहे हैं, आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स अभी गुस्से में है, उनका गुस्सा कोचिंग संचालकों को लेकर भी है, और इस बीच जाने माने कोचिंग संचालक विकास दिव्यकीर्ति सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरी घटना पर अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि बच्चों का प्रेशर जितना है वो जरूर कोई बढ़िया परिणाम निकालेगा, और बढ़िया परिणाम मेरे हिसाब से एक ही है, जिस भी बिल्डिंग में सेफ्टी पर्याप्त ना हो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। नंबर दो,
सारी एजेंसीज की सहमति से, जो समिति बनी है जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया है, सारी एजेंसीज की सहमति से एक कोई बड़ा एरिया दिल्ली में ऐसा मिले जहां पर सब संस्थाएं जाएं, जो ना जाना चाहे ना जाएं, लेकिन वो इतना हो जाए कि सब लोग जब वहां जाएंगे तो फिर दबाव में सब आते ही हैं, क्योंकि हब बन जाते हैं तो उसके बाद उसकी अलग एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। और यदि उसके बाद भी ऐसा कोई नेग्लिजेंस सामने आए जिसमें बार बार बताया गया हो, तो जितनी कठोर कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। जगदीश ममगेन साहब, हालांकि इसका जवाब आप अगर दे पाए तो बड़ी सरलता से विकास जी ने यह बात कह दी कि भाई जिसके पास जगह नहीं है, जो इलीगल वे में चला रहा है, स्टूडेंट्स वहां पढ़ने ना आए, क्या यह मुमकिन लगता है कहीं से? इससे पूछा आपने जी ममगेन साहब से? अच्छा जगदीश जी, देखिए सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जिस जो आदमी खुद इलीगल चला रहा था, जिसकी सील हुई है, जिसके इंस्टीट्यूट के आगे जो है नाले पे एंक्रोचमेंट किया हुआ है, वो आदमी यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा होना। अरे ऐसे लोगों को देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जांच कमेटी में भी, या जो एक कमेटी बनी है उसमें ऐसे ही लोगों को लिया गया है जो खुद नियम तोड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अब इसमें निगम की तो एक पक्ष ये है कि भाई नीचे जो बेसमेंट था उस बेसमेंट में स्टोरेज या वो होनी चाहिए थी, लाइब्रेरी नहीं चलनी चाहिए थी, निगम को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, निगम की भूमिका तो यहाँ ये है। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट ने ये सारे के सारे 100% कवरेज कर रहे हैं, 500 मैं कल उसमें था, ये जो जहां पे घटना हुई है 700 गज के आसपास ये है, 100% ग्राउंड कवरेज की है, वहां का रोड कवरेज किया है, नीचे बेसमेंट भी इतनी लंबी बनाई है। अब ये सारा अवैध धंधा, और दूसरी बात ये कह रहे हैं बच्चों के लिए ये व्यवस्था, अरे पैसे तुम ले रहे हो, अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है, आप मुझे बताइए कि एक कमरा 10x10 का जिसमें 10-15 बच्चे से ज्यादा नहीं आने चाहिए, आपने पार्टीशन करके 15-15, 20-20 बच्चे 1/3 में ठोक रहे हो, आप अंधाधुंध बच्चे भर्ती कर रहे हो, लाखों रुपए उनसे ले रहे हो, जब आपके पास जगह नहीं है, जब आप उनके लिए फैसिलिटी नहीं कर सकते, जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप क्यों ले रहे हो भाई उनके एडमिशन, पैसे क्यों ले रहे हो उनसे? बिल्कुल पैसे कमाने की अंधाधुंध संस्थानों पर भी उठता है जिन्होंने स्टूडेंट्स को एक कस्टमर समझ रखा है, और एक कस्टमर समझ के उनसे पैसे की वसूली बकायदा अब होती है। शिक्षा जो है अब सिर्फ शिक्षा मात्र नहीं रह गई है, एक बिजनेस हो गया है, और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए आज ये घटनाएं हो रही हैं और आप और हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं।